दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश भाटिया, ग्लोबल प्रॉपर्टीज और होमलिस कंपनी इंदौर से। आज हम खड़े हैं इस समय शिवधाम के सेक्टर ए में, जिसमें एक मकान का मैं आपको व्यू कराने वाला हूं। यह एक्चुअली कॉर्नर का मकान है, ट्रायंगुलर, जिसमें डबल साइड रोड है। जैसे एक रोड ये देख रहे हैं आप, एक रोड ये देख रहे हैं। इसके पास में ओपन जगह है, सामने राधा स्वामी सिंह दास की बाउंड्री है, अच्छी खासी हरियाली है, ग्रीनरी है, यहाँ पे शांत वातावरण है। पास में शिव का मंदिर भी है, जिसमें आप रोज दर्शन करने ले जा सकते हैं। ये इसका एंट्रेंस है और हम आपको दिखाते हैं कि कैसा बना हुआ है मकान। 900 फीट के प्लाट के ऊपर 900 फीट के प्लाट पे 800 पे बना है। ये देखिए, एक एंट्रेंस ये भी बोल सकते हैं आप इसको। ये ईस्ट फेसिंग एंट्री है इसकी। ये इसका वॉश एरिया है और ये किचन है, जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर पे बना हुआ है। वास्तु के हिसाब से 100% फिट है। मैं आपको इसका हॉल दिखाता हूँ। ये देखिए, हॉल के अंदर पीओपी कवर किया हुआ है, सामने से स्टेयर्स हैं और ये बड़ी साइज की विंडो दी हुई है इसके अंदर। और ये सामने वॉलपेपर, एक ये ओपन डक्ट है यहाँ पे रोशनी के। नीचे एक बेसिन दी हुई है कॉमन, साथ में एक टॉयलेट भी है, कॉमन टॉयलेट है इंडियन। इसके अलावा नीचे आपको एक बेडरूम मिल जाएगा, बेडरूम के साथ में भी लेट बाथ अटैच है। क्योंकि प्लॉट ट्रायंगुलर है, कॉर्नर का है, इसका आपको बड़े साइज की लेट बाथ मिल जाएगी। इसके अंदर शावर है और एक एक्स्ट्रा स्पेस छूटी हुई है इसके अंदर, जिसमें आप अपना वार्डरोब डिजाइन करा सकते हैं। एक ही क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ और रोशनी ले, भरपूर रोशनी आ रही है इसमें। नीचे साउथ ईस्ट किचन है, जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्मल किचन है। इसको मॉड्यूलर करने के लिए 30-40 हज़ार रुपये खर्चा आता है, चाहें तो हम करा के देंगे या आप खुद भी करा सकते हैं। इसमें बोरिंग की व्यवस्था है, एक स्विच लगा हुआ है, ये रेफ्रिजरेटर रखने की जगह है, प्लस इसमें सामान रखने के लिए स्पेस दी हुई है। अब हम चलते हैं इस फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे इसमें 3 बेडरूम हैं, उसमें से 2 में लेट बाथ अटैच है, एक बच्चों का स्टे रूम है। ये पूरी विंडो दी हुई है। सबसे पहले लेफ्ट साइड के बेडरूम दिखाऊंगा आपको। ये सामने आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया वॉलपेपर, विंडो और गेट, साथ में यहाँ बालकनी मिलेगी आपको। ये बालकनी है और ये सामने आपको मकान दिख रहे हैं। ये नीचे पूरा पार्किंग एरिया यूटिलाइज कर सकते हैं आप इसका। ये सेम बेडरूम है जैसा नीचे आपने देखा, लेट बाथ अटैच। विंडो और इसका चौथा बेडरूम जो है वो ये है, ये इसके साथ भी लेट बाथ अटैच है। वेस्टर्न टॉयलेट है इसमें भी, शावर और पेयर लगे हुए इसके अंदर। दोस्तों ये बहुत अच्छी यूनिट है शिवधाम कॉर्नर पे। एक ही हमारे कस्टमर है जो भी साइड पर खड़े हुए हमारे साथ में। ये आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी ग्रीनरी है यहाँ पे। और ये बालकनी, डबल बालकनी बोल सकते हैं, एक स्पेस ही है और एक स्पेस ये। और हम चलेंगे इसकी टेरेस पर। टेरेस भी ऐसी है इसकी कि 2 गेट लगे हुए हैं इसके अंदर। कोई भी छोटा मोटा फंक्शन, बच्चों का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना चाहें तो एक तरफ आप अपना इसका खाना बना सकते हैं और एक तरफ परोस सकते हैं। इसमें 2000 लीटर ओवरहेड वाटर टैंक लगी हुई है। ये देखिए, एक टेरेस ये होगी इसके अंदर। सामने ग्रीनरी है, शिवधाम के मकान दिख रहे हैं आपको।
और ये आपकी दूसरी टेरेस होगी, ये देखिए। यहाँ से मैं आपको देवगढ़ का माउंटेन भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। जूम करते हैं तो क्लियर दिखता है, ये देखिए। ये ढेर सारे मकान बने हुए दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने बेचने रेंट पे लेने देने के लिए आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं www.homedish.co.in, या मुझे कॉल कर सकते हैं 9303215006 पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।